असलम वेलकम बैक टू फिलोसफी मेड इजी हम एथिक्स पढ़ रहे हैं फिलोसफी में तो हम एथिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे हमने थोड़ा सा पढ़ा इनिशियल थोड़ा सा बैकग्राउंड लिया ठीक है फिर हमने एथिक्स की थोड़ी सी उसकी ब्रांचेस देखी आज हम फर्जर देखते हैं पहले हमने पढ़ा नॉर्मेटिव एथिक्स आज हम डियोन्टोलॉजी को देखेंगे कि एथिक्स में डियोन्टोलॉजी का क्या रोल है और डियोन्टोलॉजी होती क्या है सो लेट स्टार्ट विथ द डी ऑनटोलॉजी जिस तरह एथिक्स में है इट्स अबाउट ड्यूटी एंड ऑन इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है ऑब्लीगेशन या ड्यूटी ठीक है सो इट्स एन अप्रोच टू एथिक्स दैट फोकसेज ऑन द राइट राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एक्शन के सही एक्शन क्या है और गलत एक्शन क्या है

इसके कॉन्सिक्वेंस पे बात नहीं करेंगे इन्होंने बात की ना एज अपोज टू द राइटनेस और ऑफ द कि उन या राइटनेस का consequences क्या होंगे उस पर नहीं हम देख रहे ये हम उन फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं या डिओंटोलॉजी जो है वो उन चीजों को डिस्कस करती है जिसमें हमें वो चीजें करनी हैं जो एक बंदे की ड्यूटी है या उसका एक बंदे की ड्यूटी है तो दूसरे का राइट right है वंस ड्यूटी इज द अदर पर्सन राइट तो आपको वो चीजें करनी ही करनी है जिनका नाम थार्स uh, बहुत सारी ड्यूटी होती है ठीक है लेकिन उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया ड्यूटी टू गॉड ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड ड्यूटी टू अदर्स इस तरह तीन कैटेगराइज तीन तरह में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है

तो वो एक प्रैक्टिकल ड्यूटी है ठीक है एक थेरी में ड्यूटी है कि थेरी में क्या कि वी हैव टू एक्सेप्ट द द प्रेजेंस एंड अदर वन इज द प्रैक्टिकल ड्यूटी कि वी हैव टू प्रैक्टिस द ऑर्डर्स ऑफ गॉड दूसरा फिर आता है ड्यूटीज टूवर्स वन सेल्फ अब हमारी खुद पर भी ड्यूटीज हैं वो क्या है ड्यूटीज ऑफ द सोल इन्वॉल्व डेवलपिंग वन स्किल्स एंड टैलेंट्स ठीक है हमारी अपनी सोल ड्यूटीज हैं फिर बॉडी की ड्यूटीज हैं विच इन्वॉल्व नॉट हार्मिंग ऑफ बॉडीज एज ठीक है कुछ ऐसा गलत काम करके हम अपनी बॉडी को हर्ट ना करें हम अपनी सोल की भी सोल uh, सर्चिंग करें सोल को भी हम uh, तरो ताजा रखें सो लाइक इट्स द ड्यूरी ऑन वन सेल्फ फिर आ जाता है जी ड्यूटी टू वर्ड अदर्स सो इसमें इसमेंटवीन एब्सलूट ड्यूटीज which are universally binding on people and conditional duties dotharanki duties on one is the absolute duty and the other one is the conditional duty so which is the result of contracts between people akg okay, avoid wronging others treat people as equals and promote the good of others

it's a form of deontology deontological theory which states that an action is right if God has decreed that it is right that an action is obligatory if and only if and um, because it is commanded by God okay we have to know whatever is commanded by God that is right whatever he is refrained from the things that is wrong so the moral obligation arises from God's commands and the rightness of the

लेवल था लोगों का कि वहां तक वो नेचर ऑफ लॉ में वो सर्वाइव करें देन देर सर्वाइविंग इन दैट एनवायरमेंट और वहां पे उन्हें एक रूल चाहिए था एक लॉ चाहिए था एक स्टेट चाहिए थी कि जिसमें वो पीसफुली रह सकें और उनकी लिबर्टी हो टू लाइफ प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी उनको फ्रीडम मिले ठीक है तो यहाँ पे आके उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थे बनाई तो इट्स ए नैचुरल राइट वो क्या था उनके जो नेचुरल राइट्स है ना उन्हीं को सिक्योर करने के लिए सो नेचुरल राइट्स इन सेंस ऑफ यूनिवर्सल नेचर ऑफ एथिक्स एंड दीज आर नॉट नॉट कंटेजेंट ऑन ह्यूमन एक्शन कुछ चीजें हमें जो है ना नेचुरली अवेलेबल है सो दिस डिपेंट टू वर्ट द कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ठीक है फिर उन्होंने ह्यूमन राइट की जो लाइक like, आपकी लिबर्टी हो लाइफ की प्रॉपर्टी की तो दीज ए थिंग जो आपको जो है ना नेचुरल नेचुरली अवेलेबल है यूनिवर्सल राइट्स हैं आपके जिनको हम ह्यूमन राइट्स का नाम देते हैं तो ये नेचुरल राइट तैयारी आ जाती है जिसमें आप जो है लोगों की मदद करें या लोगों को उनके राइट से अवेयर कर रहे हैं या उनके राइट्स की आप उनको सिक्योर करें